नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान दौरे तो पाकिस्तान बारे मैं भी संखेप जिहा चानना पाउणा चाहुंदा। जिहड़े लोग उस दे इस दौरे की हमायत करते उन्हां नाल भी मैं दो गल्लां करनियां चाहुंदा कि सिद्धू नूं पाकिस्तान जाण तों पहलां ते उहदे हमायतियां नूं उहदी हमायत करन तों पहलां एक गाने दीआं दो लाइनां सुन लैणियां चाहीदियां सीगियां कि ऐ मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुरबानी। पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों तो खास करके पंजाब नूं दित्ता की है, हथियार, नशा, बेरोज़गारी, गरीबी अते पंजाब दे इन्हां हालातों नूं देख के कोई भी पंजाब च काम करन नूं राजी नहीं है, कोई वड्डा कारोबारी इत्थे आउण नूं तैयार नहीं है। इन्हां साजिशां च कल्ला पाकिस्तान ही नहीं, साडे अपने मुल्क च ही कई गद्दार बैठे हन, लीडरां दे रूप च, अफसरां दे रूप दे विच ते समगलरां दे रूप दे विच, जिन्हां च एक नाम सिद्धू दा भी शामिल हो गया। इन्हां लोकां लई तां मैं ही कहूँगा कि हमारा स्वर्ग कुछ भेड़ियों का शिकार है, देश द्रोही ही कहूँगा उन्हें, इसी के वो हकदार हैं। मैं समाज नूं, देश नूं धर्म दे नां ते वंडना नहीं चाहुंदा, पर कुछ लोगों का दोहरा चेहरा लोगों के सामने नशर करन दी जरूर कोशिश करता रहना वा। 1984 दे दंगे सब नूं याद हन, किसी दे दिल तो भुल नहीं सकते। कुछ घटिया सोच वाले ने सिखां दा कतलेआम किया ते की गल भारत के सारे हिंदू माड़े हो गए, ओहो जी सोच वाले कुछ लोगों ने हिंदुआ का कतलेआम किया ते की दुनिया के सारे सिख माड़े हो गए। तो जे इसे गल ते ही अमल करना तो फिर मुसलमाना हथों तो भारत के किन्ने गुरु पीर पैगंबर शहीद होए आ, फिर मुसलमान तुहाडी नज़र च चंगे किवें हो सकते आ? ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा, ना सिख बुरा। कुछ लोगों की सोच माड़ी हो सकती है पर धर्म कभी माड़ा नहीं हो सकता, धर्म कभी गलत नहीं हो सकता। मैं तो धर्म जात पात च विश्वास नहीं रखता, भावें मैनू हिंदू कह लो, भावें मैनू मुसलमान कह लो, भावें मैनू सिख कह लो, मैं तो हमेशा वो जगह लभदा रहना कि चल बुलिया चल उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। पाकिस्तान ते उहदे मित्रां दे सोले गाउण तों पहलां कदी एक झात इह वी मार लो कि पाकिस्तान ने आजादी तो लै के हुण तक पाकिस्तान च रहिंदे हिंदू ते सिखां दा हाल की कीता होया। 1947 दे विच पाकिस्तान दे विच 23% हिंदू सिख सीगे, जो हुण घट के सिर्फ 1% रह गए, जां धर्म बदल गए जां देश छड्ड गए। ते इधर भारत दे विच 1947 दे विच सिर्फ 8% मुसलमान सीगे, जो हुण वध के 16% तक पहुँच गए। तो फिर भी भारत च घट गिणतियां नूं खतरा किवें हो सकता, फिर भारत माड़ा किवें हो सकता? यह सब धर्मां दा सांझा देश है, इत्थे हर धर्म नूं अपने रीति रिवाज मनाउण दी आजादी है। कि गूंजे कहीं पे शंख कहीं पे आजान है, बाइबल है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब है और गीता का ज्ञान है, दुनिया में कहीं और ये मंजर नहीं नसीब, दिखाओ जमाने को ये हिंदुस्तान है। हुण गल करदे आं एक स्वार्थी अते गद्दार नवजोत सिंह सिद्धू दी, जिहड़ा लोड़ पैण ते अपने लालच लई देश तां की अपने प्यो नूं भी धोखा दे सकदा, ते जिहड़ा हवा दे हिसाब नाल रुख ते हालात दे हिसाब नाल असूल ते वक्त दे हिसाब नाल रिश्ते बदलन च माहर है, इह नवजोत सिंह सिद्धू अपने सियासी जीवन दे विच हर वेले कहिंदा रिहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेई जी मैनूं सियासत विच लै के आए, वह मेरे पिता समान ते सियासी प्यो भी सन। ते फिर इधर प्यो मरिया होवे ते तूं उधर विआह वड़िया होवे, वह भी दुश्मन देश दे विच होया ते फिर गद्दार ही ना। गुनाह करके कहाँ छिपेगा एक गालिब, ये जमीन आसमान सब उसी का है। पाकिस्तान दा ला मिनिस्टर अपने चार बंदे लैके इत्थे आया होवे श्री वाजपेई जी दे संस्कार च शामिल होण लई, ते किन्नी शर्म दी गल है वाजपेई दा मूँह बोलिया मुंडा उन्हां दी मौत ते जश्न मनाउण लई पाकिस्तान गया होवे, सवाए उत्थे दंद कढ़ण ते उत्थे हासा मजाक करन तो तूं कीता भी की मस्खरिया, ते वापस आ के अपनी आदत दे अनुसार फिर भोले भाले लोगों नूं भरमाउणा शुरू कर दिता धर्म दे नाम दे उत्ते। कई लोग फिर तेरियां गल्लां दे विच आ गए, जनरल बाजवा नूं जफ्फी पाउण ते जदों तेरा विरोध होया ते तू लोगों की आस्था का पत्ता खेड़ दिया, यह कहना शुरू कर दिता कि जनरल बाजवा मैनू गल ला के कह रहे सन कि 550वें गुरु नानक देव जी के अवतार पुरब के उत्ते असी करतारपुर वाला लांघा खोल देंगे, तो इमरान खान नाल मैं लाहौर ते वाघा बार्डर खोलन की गल की है। गप्पिया ते झूठिया तेरिया इन्हां गल्लां ते यकीन किवें करिए जिन्ना तू अज तक झूठ तोलिया, जे सच च अपने प्यो दा जे तू सच च सच्चा वा ते ए बयान जनरल बाजवे कोलों ते इमरान खान कोलों एक बारी दवा ते सानू भी पता लगे तेरा उन्हां नाल किन्ना क नेड़ है ते तेनू उन्हां दे उत्ते किन्ना क विश्वास है। सिर्फ गल्लां च लोकां नूं शदाई बनाउणा कि माना कि तुम गुफ्तगू के फन में माहिर हो सिद्धू, वफा के लफ्ज़ पे अटके तो हमें याद कर लेना। जो भारत दीआं एजेंसियां कोल रिपोर्ट आई तेरिया जनरल बाजवे नूं गल आ के जफ्फी पाउण वाली, वह तो यह कह रहे हैं कि जनरल बाजवे ने तेरे कन्न दे विच इह कहा
कि सानू भारत दे विच वारदातां करन लई असला रखण च बड़ी दिक्कत आउंदी है, तेरी कोठी बार्डर दे कोल है उत्थे रखा दिया कर तां जो साडे काम आ सके, तेरा इन्ना प्यार ते नेड़ जिन्ना तू पाकिस्तान नाल दस्या ते दर्शाया। मैं तो यह कहना चाहुंना कि अज तो बाद भारत च कोई पाकिस्तानी अतवादी जां पाक फौज वल्लों को वारदात हुंदी है ते इस दी निरोल जिम्मेवारी तेरी होनी चाहीदी है। अखीर च मैं तैनूं यह कहण लगा कि जिहड़ा तोहफा उहनां तैनूं दे के तोरिया जे तू ना भी लैके आउंदा उत्थे उहनां तैनूं पाकिस्तानी जुत्तियां दा जिहड़ा तोहफा दित्ता असली हकदार तू इहदा ही आ, जे तू ना भी लैके आउंदा ते इस हफ्ते मैं तेरा एड्डा वड्डा खुलासा करना कि पंजाब च तैनूं जुत्तियां दी कमी नहीं रहनी, इत्थे भी मैं तैनूं कमी नहीं रहण देनी। एक जिहड़ा घनौना काम कीता मैं तेरा शुक्रवार शनिवार नूं लै के लोकां दे सामने आऊँगा ते जिहड़े अजे भी तेरे अन्ने भगत आ मैं उन्हां लई इहो कहणा अखीर दे विच, सबको मालूम है कि नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार है फिर भी वो बहुत से लंगूरों का सरदार है।